थैंक यू फॉर एवरी थिंग. अभी तक जितना भी आपने मुझे ब्लेस किया है. आई शेयर माई जर्नी विद यू. आई गॉट कनेक्टेड टू गुरु जी इन 2016. पर वो जो कनेक्शन होता है, दैट कनेक्शन वॉज नॉट देयर. मेरी कज़न ने मुझे गुरु जी से मिलवाया थ्रू बड़े मंदिर. शी वॉज गोइंग रेगुलरली देयर. तो जब 2016 में बड़े मंदिर में मैं फर्स्ट टाइम मत्था टेकने गई, इट वॉज लाइक अ क्राइसिस फॉर मी. जस्ट बिकॉज मैंने जहाँ पे मेरी पहले शादी फिक्स हुई थी, ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस, दैट ब्रोक ऑफ. तो उस टाइम पे तो मतलब जैसे मेरे फादर, मेरी मदर बहुत स्ट्रेस थे कि पता नहीं क्या होगा, कहाँ होगी. तो जैसे लाइक जस्ट लाइक एवरी इंडियन फादर, ही वॉज लाइक कि मैं कहीं पे भी कुछ नहीं जाऊंगा, ये वो. उनको माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी. तो बट मेरी कज़न ने कहा कि जस्ट गो टू बड़े मंदिर वंस एंड यू विल फील रिलैक्स्ड. बट मेरे पापा कहीं पे भी नहीं जाते. एंड वहाँ पे मेरी जब कज़न ने कहा तो ही इमिडिएटली सेड कि हाँ चलो चलते हैं, मत्था टेक के आते हैं. विच वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर अस. तो हम लोग वहाँ गए, मत्था टेक किया है. दिस वॉज इन अप्रैल 2016. तो वहाँ मत्था टेका, उन्होंने कहा कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ शुक्राना करना है कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, सिर्फ आपने ही जो किया है अच्छा किया है मेरे लिए. तो आई सेड ओके, बट कोई कनेक्शन नहीं था, मैं थैंक यू करके आ गई. दैट वॉज इट. एंड जब मे में, इट वॉज लाइक मे, मेरी मदर बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर्स को के पास गई कि इसकी शादी कब होगी, बिकॉज एज हो रही है, वट एवर. तो जब हम गए एस्ट्रोलॉजर्स के पास, जितने के पास भी जाते थे, देवर दे सेड दैट अगर 2016 में नहीं हुई, देन यू विल गेट मैरिड इन 2019, विच वॉज अ 3 ईयर गैप. एंड वो उन लोगों ने तो बहुत ही टेंशन बढ़ा दी कि 3 साल अभी और हैं. तो ठीक है, वो भी हो गया. उसके बाद जब आई थिंक इन May 2016 only, my husband whom I got married in December 2016 only, वो आए थे US से इंडिया में. He was working in US since 1.5 years. तो जब वो इंडिया आए, तो मेरी एक कज़न है, कज़न के थ्रू we got met. And June 2016 on 11th we got rokafied. हमारा रोका भी हो गया, सब कुछ हो गया. बस एक थैंक यू करने के बाद it got आई गॉट रोकाफाइड इन जस्ट नॉट इवन अ मंथ, इन 20 डेज. सो थैंक यू गुरु जी फॉर दैट. एंड आई गॉट मैरिड इन द सेम ईयर इन 2016 इन डिसम्बर. तब तक भी कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है हो गया. उसके बाद आई वेंट, 1 ईयर पास बाय, आई केम टू US. एंड मेरी कज़न मुझे हमेशा बोलती थी, जब भी इंडिया ट्रैवल करेगी, जस्ट गो टू बड़े मंदिर एंड से शुक्राना टू गुरु जी कि आपने मेरे को अच्छा लाइफ पार्टनर दिया. मैंने कहा ठीक है, अगर जाएंगे तो आई से दैट. हो गया वो भी. फिर 1 ईयर पास बाय, नेक्स्ट दिसंबर 2017 आई वेंट टू बड़े मंदिर, सेड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपने सब कुछ अच्छे से कर दिया, चलो ठीक है. फिर वापस ख़त्म. उसके बाद 2019 में आई कंसीव माय सन. तो मेरी मदर पहले से ही मानती थी उनको, तो वो बड़े मंदिर रेगुलरली हर मंथ जाती थी. अब यहाँ आने के बाद उनको टेंशन थी कि मैं कैसे जाऊँगी बड़े मंदिर, क्योंकि मैं हर मंथ जाती हूँ, एक चक्कर तो लगता है. By Guruji's grace, we were staying in Edison and हम पटेल ग्रॉसर्स के पास ग्रॉसरी लेने जाते हैं. एंड बड़े द मंदिर वॉज जस्ट ऑपोजिट टू इट. तो वहाँ पर उनको बाई चांस एक मंदिर भी मिल गया, गुरु जी ने उनको दर्शन भी करा दिए. एंड नेक्स्ट डे आई वॉज गेटिंग इंड्यूस्ड. तो जब लास्ट टाइम मैं, मम्मी ने कहा चलो मत्था टेक के आते हैं, ब्लेसिंग्स ले के आते हैं. मैंने कहा चलो ठीक है, ब्लेसिंग्स ले आते हैं. तो वहाँ पर किसी सेवादार अंकल ने बोला कि आप लंगर करके जाना. हम लोग तो, मैं पहले गुरुद्वारे पहुंच जाती थी एवरी टाइम. आई यूज टू गो टू गुरुद्वारे. तो गुरुद्वारे से आने के बाद वहाँ भी लंगर किया. मैंने कहा यहाँ कैसे लंगर करेंगे, तो डबल डबल लंगर हो गया. तो बट ठीक है, लंगर हुआ. उन्होंने कहा कि चलो बैठ के और पूरा ख़त्म करना. मुझे पता था कि ख़त्म भी करना होता है, किसी के साथ शेयर भी नहीं करना होता. तो वो सब किया. फिर उसके बाद जब लंगर प्रसाद आया, अब सेवादार अंकल तो ऐसे ही सबको प्लेट में देते हैं जो भी लंगर आता है. I got 1.5 बर्फी. बर्फी एज अ मीठा प्रसाद, विच आई डोंट नो कहाँ से आया. बस ये था कि हाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी.
जब ईयान हो गया, एवरीथिंग वेंट बाय वेरी स्मूथली, सब कुछ सही अच्छे से हुआ. देन फिर मम्मी बस मथा टेक के आ गई, चलो ईयान को मथा टिका देते हैं, दैट्स इट. देन फिर कोई कनेक्शन नहीं. 2016 टू 2019, 3 ईयर्स. देन इन 2021 व्हेन वी वेंट टू इंडिया ड्यूरिंग दैट डेल्टा कोविड पीरियड, तो हम इंडिया में फंस गए थे कि अब हम करें क्या, वापस भी नहीं आ सकते बिकॉज वी आर नॉट ग्रीन कार्ड होल्डर्स और हम H1 पे हैं. बट मैंने कहा चलो मम्मा आप मानते हो गुरु जी को, देन आई विल प्रे कि चलो देखते हैं गुरु जी क्या करते हैं. ह्यूमन नेचर, जब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा आप मानोगे नहीं कि हाँ कुछ है. तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि अच्छा गुरु जी हम लोग तो वापस जा नहीं सकते, हमारा घर बार सारा US में है, इंडिया में हम रह नहीं सकते. तो उस टाइम पे जैसे आज मैंने गुरु जी को ऐसे शिकायत की, तो नेक्स्ट डे न्यूज़ आ गई कि अगर आपका बच्चा या जो भी US सिटीजन है देन यू कैन ट्रैवल टू US. जय गुरु जी. तो हम लोगों ने आराम से ट्रैवल किया, सब कुछ हुआ. माइंड में ये टेंशन थी डेल्टा वेरिएंट में हम इन वापस तो जा रहे हैं कि छोटा बच्चा है, ही वॉज लाइक 1.25 साल का था, तो कि कैसे होगा मैनेज. मैंने कहा अच्छा चलो इस बार मैं US में मथा टेक के आऊँगी, अगर हमारा सब कुछ सही हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम सही सलामत अपने घर पहुँच गए. और वही हुआ, हम बिल्कुल सही सलामत अपने घर आए, क्वारंटीन हुआ, कोविड टेस्ट कराया, कुछ नहीं निकला, बिल्कुल सही था. फिर शुक्राना करने के लिए बड़े एडिसन मंदिर में ही गए थे क्योंकि वी वर स्टेइंग एट एडिसन, तो वहाँ से हमें बस थैंक यू करने गए और वहाँ से मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई. बस थैंक यू करने के बाद चलो अब चलते हैं, हर बार गुरुद्वारे और मंदिर जाते थे. देन 2021 में व्हेन वी केम बैक, उस टाइम पे हमारा घर लेने का कोई प्लान नहीं था कि हमें कुछ घर लेना है. हम बस ये सोच रहे थे कि अभी तो ग्रीन कार्ड भी नहीं आया, घर कैसे लेंगे. एंड इन अक्टूबर 2021 आर वीज़ा वॉज एक्सपायरिंग एंड कुछ भी नहीं पता था कि ग्रीन कार्ड लगेगा नहीं लगेगा, प्रोसेस वॉज ऑन. एंड कोविड के चक्कर में बैकलॉग इतना था कि लास्ट तक भी हमें अक्टूबर में भी लग रहा था कि घर वापस जाना पड़ेगा. देन बाय चांस जो हमारा प्रोसेस था वो अगस्त में अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया. और जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस, माइंड में टेंशन रहती थी कि नहीं होगा, I-140 अप्रूव हुआ, सब कुछ आराम से हो गया और बहुत जल्दी हो गया, जय गुरु जी. उसके बाद जून में वी स्टार्टेड फाइंडिंग के हाँ चलो घर देख तो आते, कौन से एरिया में लेंगे एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, वो सब देखने लगे. इतने दिन में तो हमारा घर भी फाइनल हो गया विद इन 20 डेज, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था. उस टाइम पे जब कोई ऑफर नहीं होता था, जब 50-50 ऑफर होते थे घर पे, हमारे घर पे कोई ऑफर नहीं था. ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ने ये घर हमारे लिए ही चूज किया है, जय गुरुजी. तो वहाँ पे वो वाला घर हमने लिया, कुछ बिल्कुल फ्यूचर का कुछ ना पता होते हुए भी सब कुछ उन्होंने ही दिया है, बिना मांगे दिया है. और जब एक और सत्संग शेयर करूंगी, ईयान मतलब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुरुजी करता है, बहुत ही ज़्यादा. सुबह उठता है तो वो गुड मॉर्निंग करता है, रात को सोता है तो गुड नाइट करता है. तो उसको जब यहाँ पे आता था, ही वॉज लाइक ओनली 2 ईयर्स, उसको जब भी खाना होता था ही आस्क फॉर प्रॉन्टी, मुझे प्रॉन्टी चाहिए. रोटी को भी ही यूज टू से प्रॉन्टी, चलो ठीक है प्रॉन्टी दे देते हैं. अच्छा जब लंगर होता था, जब बॉक्स लंगर मिलता था, हम नीचे जाते थे बॉक्स में लेके. एक दिन गए तो ही वो सीढ़ियों से उतरता ही वो सेइंग कि मुझे प्रॉन्टी खानी है, प्रॉन्टी खानी है. हमने कहा चलो अच्छा घर जाके प्रॉन्टी देंगे. उतरे, जैसे ही लंगर बॉक्स मिला, हम लोग गाड़ी की तरफ बैठे गाड़ी में लंगर करने के लिए. मेरे बॉक्स लंगर में एक फॉयल पेपर में रैप्ड रोटी थी. तो आई आज मैंने कहा मेरे उसमें रैप्ड रोटी है, तुम्हारे में तो नहीं है, मेरे अपने हस्बैंड को बोला. तो ही सेड कि अच्छा पता नहीं क्या है क्योंकि प्रॉन्टी तो मिलती नहीं है. तो मैंने कहा क्या पता प्रॉन्टी दी हो गुरुजी ने, तो खोला उसमें प्रॉन्टी दी, बिकॉज ही माय सन वाज आस्किंग फॉर प्रॉन्टी, जय गुरुजी. एंड रिसेंटली मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ कि अब हम हैं तो लड़कियां, तो वी यूज टू स्पेंड अ लॉट. तो उनको लगा कि अरे रिधिका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखी. तो ही सेड कि अब खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो देख लो अब. मैंने कहा किस चीज़ की कमी है तुम्हें, हमारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, बच्चा है, सब कुछ है. तो ही सेड अच्छा चलो ठीक है. मैंने कहा गुरु जी है ना सब कुछ करने के लिए. नेक्स्ट डे ही वेंट टू ऑफिस एंड CEO ऑफ द कंपनी आस्क्ड हिम टू ओपन अ PDF, उन्होंने कोई PDF भेजी होगी. एंड पता नहीं कहाँ से विद इन मिड ईयर उनको ऐसे ही नॉर्मली खोला तो इंक्रीमेंट मिल गया, जय गुरु जी.
उन्होंने वो सब चीज़ें भी हमारी सब आराम से आसान से सब कुछ सारी जर्नी आसान से फॉलो कर दी। तो हम मैं बस यही बोलूँगी कि हम लोग इतना ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है कि जब तक हमें अपनी कही हुई चीज़ें नहीं मिलती हम उनको कुछ भी नहीं मानते, जब मिल जाती है तो हाँ हमें लगता है कि हाँ वो कोई है, कोई सुप्रीम पावर है, बट ऐसा नहीं है, वो हमेशा हमें देख रहे हैं। क्योंकि मैं अब खुद कहूँगी कि 2016 टू 2021 देयर वाज नो कनेक्शन, स्टिल ही वाज टेकिंग केयर ऑफ अस। तो थैंक यू जय गुरु जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू संत जी, हमने देखा होगा।